समाचार के महानिदेशक ने राष्ट्रध्वज फहराया और इस अवसर पर उन्होंने दूरदर्शन समाचार के सभी कर्मचारियों को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अपने कार्य के बल पर देश के विकास में अपना योगदान दें। दूरदर्शन के सभी कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। आज का पावन पर्व हम सब लोगों के लिए एक नई अज़्म और सीख देता है कि हम लोग उसी डिटर्मिनेशन के साथ काम करते रहें जिस डिटर्मिनेशन के साथ हमारे फोर फादर्स ने आजादी हासिल की। और अब एक वक्त ऐसा, समाचार में बात करते हैं मिस्र के। पिछले कुछ समय से राजनीतिक अशांति से जूझ रहे मिस्र में स्थिति और गंभीर हो गई है। सेना द्वारा मुर्सी समर्थकों पर कार्रवाई के बाद देश में आपातकाल लागू कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के